पंचायत विकास मित्र का नजराना लेते वीडियो हुआ वायरल। वीडियो ने कहा होगी जांच। खबर सहरसा से, जहां 70 कटिया प्रखंड स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में ठेकेदार से भुगतान कराने के नाम पर घूस लेने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। घूस लेने वाला शख्स बिजलपुर पंचायत के विकास मित्र किशोर सदा है, जिनका काम शौचालय निर्माण हुआ या नहीं इसका जांच करना है, लेकिन भुगतान कराने के नाम पर घूस लेते कैमरे में कैद हो गए। वायरल वीडियो में दो अलग अलग जगह का है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह भुगतान के नाम पर पैसे का खेल चल रहा है। ठेकेदार विजय कुमार की माने तो विकास मित्र किशोर सादा झांसे में लेकर बिजलपुर पंचायत के घीना गांव में शौचालय निर्माण कराने के लिए यह कहकर लोगों को सामान मुहैया कराया कि इस योजना का नोडल पदाधिकारी है, जिस पर लोगों को शौचालय निर्माण के लिए सामान भी मुहैया कराया गया। जब भुगतान की बात हुई तो घूस की मांग करने लगा, जिसमें प्रत्येक शौचालय निर्माण में 300 रुपया मांगा गया, लेकिन 200 में तय हुआ, जिसमें 30 शौचालय निर्माण का 6000 रुपया दिया भी गया है। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया, फिर भी 4000 रुपया और मांगा गया, 3500 रुपये एक बार फिर दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं कराया गया। घूस लेने के बाद भी जब भुगतान की मांग की गई तो केस करने का धमकी दे रहा है। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी असगर अली ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, वायरल वीडियो के सत्यता की जांच होगी, सत्यतोपरांत दोषी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। कम ले लीजिए। लेकिन अच्छा ही नहीं किए हैं आप। क्या अच्छा नहीं किया? क्या हमको इसमें बच जाएगा? ना ना, आपने अच्छा कर रहे हैं। इसमें भी आप कह रहे हैं आपको दिक्कत हो रहा है, तो चलिए छोड़िए, रहने दीजिए, लटकने दीजिए। लटकने तो नहीं रहने देंगे जी। 30-30 को 3 लाख हमारा पेमेंट है, 6000 लम जहाँ जी लीजिए, पकड़िए, 6000 है, 30 को का है, कुछ और कर दीजिएगा। कर रहे हैं मटेरियल का देखभाल कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो 100 रुपया आदमी हमको नहीं देगा? 2500 पैसा निकलेगा तब ना देगा कि पहले आप ही को दे देगा? तो पैसा तो 35 को निकल गया, पैसा कहीं निकाल देते हैं, दे देंगे। 35 को निकल गया, 4-5 को इसका लचका हुआ, तो बताइए अब क्या बचा? 60000 रुपया। 60000 है तो क्या वो नहीं निकलेगा? हाँ बताइए, तो नहीं निकलेगा, वो बचले रहेगा? 2 साल तो हुआ, पूछो ना, 2 साल ऐसे लटकेगा, ऐसे लटकेगा, लीजिए ना। आप अगर लटकाइए हम दे देंगे, तो निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो भाई तो गले तब की दिक्कत रखिएगा, तो आपको भी अर्चन अभी करेगा उसमें काम में, दे देवे तो अपन यो फ्री अहो फ्री। अरे भैया मान के चलिए साल भर यही नहीं ना लटके हैं, हम भी तो यहाँ पे लटके हुए हैं, और सब जगह काम नहीं कराते, हंसी खुशी देते हैं, समझ गए? 100 रुपया हंस के देते हैं, 1500 को हम नहीं मांगते हैं, उतना हम डिमांडे नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि आप भी बिजनेस करते हैं, आपका भी पैसा लगता है, घूस तो देना पड़ेगा, हम नहीं काम करते हैं। घूस क्या हुआ? कुछ घूस नहीं हुआ, 100 रुपया, इसीलिए तो हम 100 रुपया ले रहे हैं, कि आप भी कहीं इधर उधर कुछ नहीं बोलिएगा। नहीं किसे बोलेंगे बताइए, नहीं हुआ वो नहीं बोलेंगे अलग बात है, लेकिन 4000 देने में मतलब 100 रुपया देने में भी आप कर रहे हैं, हंसी खुशी दीजिए, मेहनत का पैसा खुशी सब हो। 70 कटैया प्रखंड का बिजलपुर पंचायत का गाँव है, उसमें विकास मित्र किशोर सादा अपने आप को मैंने हमको झांसा में लिए, वो बोले कि हम यहाँ का दबंग आदमी हैं, विकास मित्र हैं और योजना का नोडल पदाधिकारी हैं। हम बहुत से असक्षम लोगों को जो 12000 में लाभों को शौचालय बनाने की स्थिति में नहीं रहता, उसको 12000 का सामान मुहैया करवा देते हैं, और पुनः उसका खाता पर पैसा जाने के बाद हम पैसा लेते हैं या जो अगला रहता दिलवाता है। ये हमको बोले कि देखिए विकास मित्र भी हैं और नोडल पदाधिकारी भी हैं, हम यहाँ का दबंग आदमी भी हैं, हमको गरीब आदमी है, मुसहर जाति से सब है, आप इसको पैसा सामान मुहैया करवा दीजिए। हम 40 लाभुक का सामान मुहैया करवा दिए। जब उसके खाता पर पैसा गया, जब पैसा का दबाव हम बनाने लगे, तब हमसे घूस मांगे।
तो पहला एक बार तो फिर 300 रुपया का झिकझिक करते होते, 200 रुपया हमसे लिया 30 लाभों का। अब फिर कुछ दिन के बाद जब पैसा का दबाव बनाए तो फिर 100 रुपया लिया। फिर जब पैसा का दबाव हम बनाना शुरू किया तो कई तरह का धमकी हमको देना शुरू कर दिए, हम हरिजन हैं, हम ये हैं, और 84,000 रुपया लाभुक से निकाल के रख भी लिए हैं। तो अभी तक में आप कितने पैसे उनको दे चुके हैं? वो एक बार में 6,000 दिए हैं और एक बार में 3,500 रुपये दिए हैं। क्या आपको पैसा मिला, जो आप पैसा इन्वेस्ट किए थे आपको पैसा मिला? कुछ मिला है, बाकी तो उसके कस्टडी में पैसा है। अच्छा, अरे ये मेरा संज्ञान में सर आया है, इसका हम जांच कराएंगे क्या मतलब हकीकत क्या है, उसको रिजेक्ट क्या है, मामला पर देखा जाएगा, मेरे बात कार्रवाई की जाएगी। शौचालय निर्माण के नाम पर ठेकेदार आरोप लगाया है, पैसा दिया गया है। शौचालय के लिए तो अभी ठेकेदार बनाया है, लेकिन अब क्या मतलब आपसी लोग ये बात जाँच के बाद ही पता चलेगा।